हाय फ्रेंड्स, शर्मिष्ठा ब्लॉग्स में सभी को वेलकम। आज फिर से एक नए वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। सबसे पहले जैसे रोज़ का रोज़ बाहर का नज़ारा शेयर करती हूँ, आज भी वही किया है क्योंकि मुझे बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सबसे पहले मैं यहाँ पे मतलब विंडो के सामने ज़रूर खड़ी होती हूँ। और ये देखिए, कुछ देर बाद मैंने भी नोटिस किया कि कैसे ऊपर से दो रस्सी लटक रहा है। एक्चुअली हमारा जो विंडो है इसके बाहर कोई प्लेस नहीं है कि हम उधर खड़े होके इसको साफ कर पाए, और विंडो बहुत गंदा हो गया है बाहर से। तो इसलिए ये जो मेंटेनेंस के लोग हैं यहाँ के, वही लोग 6 महीना छोड़ के ये जो विंडो है बाहर से ये रस्सी में लटक के पानी से अच्छे से साफ कर देते हैं। और अभी मैं सुबह का सारे काम निपटा के खाना पका रही हूँ। फ्रिज में 2-3 पॉम्फ्रेट फिश था और साथ में थोड़ा सा प्रॉन था, वो सब फ्राई कर लिया है। और उधर आलू फ्राई करने के लिए दिया है, और एक हीटर में आपका चावल पक रहा है। एक्चुअली आज बहुत लेट हो गया है इसलिए तीनों हीटर एक साथ ऑन कर दिया है। अभी फिश को फ्राई करके मैं इसका एक ग्रेवी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने मिक्सी में एक पेस्ट बना लिया है, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड और 1 टेबलस्पून सीसम सीड या वाइट तिल जो होता है वो डाली हूँ, और साथ में 2 टेबलस्पून कोकोनट, 1/2 टेबलस्पून योगर्ट, 1/2 मीडियम साइज प्याज और 2 हरी मिर्च को डाल दिया है, और सबको एक साथ पेस्ट कर लिया है। और इस पेस्ट को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और साथ में मिक्सी में जो पेस्ट लगा हुआ था उसको धो के पानी डाल दिया है। और इसमें नमक, हल्दी, चीनी सब अपने हिसाब से डालना है, और एक हरी मिर्च भी डालना है, और पानी इतना डालना है जिसमें आपका सारे फिश डूब जाए। लास्ट में इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और मैंने फिश फ्राई करके रखा था टेस्ट के लिए, वो ऑयल डाल के बस ढक दिया है। इसको 10-15 मिनट ढक के पकाना है, बस उसके बाद हमारा फिश रेडी हो जाएगा। और इधर मेरा चावल पक गया है, इसलिए चावल को मैं माड़ निकाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग माड़ के साथ चावल नहीं खाते हैं, इसलिए माड़ निकाल के थोड़ा मैं ज़्यादा पानी डालती हूँ कि चावल का माड़ निकल जाए। और इसको अभी मैं हॉट पॉट में रख दूँगी तो बहुत देर तक गर्म रहेगा। फिश रेडी हो गया है, और उधर एक सब्जी पक रहा है, वो भी होने वाला है, बस थोड़े ही देर में सब कुछ रेडी हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी काम है, मतलब गैस साफ करना है, फिर बर्तन धोना है, वही सब करूँगी। एक्चुअली बाहर आपको मतलब लोग नहीं मिलता है ऐसे, आपको खुद का काम खुद को ही ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप किसी को लेते हैं तो उसका महीने में बहुत ज़्यादा तनख्वाह देना पड़ता है, तो इतना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अपने हाथों से ही सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। इतने सारे बर्तन धोने में मुझे उतना कष्ट नहीं होता है जितना ये हीटर साफ करने में कष्ट होता है। ये हीटर साफ हो जाता है और ये पूरा टाइल्स वगैरह साफ हो जाता है, तो मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा काम आजकल निपट गया। सारे लंच मेरा रेडी है, और इधर मैंने सब कुछ ढक के रख दिया है। और ये देखिए, ये फिश का प्रिपरेशन बनाया है, एक सब्जी बनाया है, और आलू फ्राई और कुछ छोटा मोटा चीज़ें बनाया है, बस यही है आज का प्रिपरेशन। मेरा लंच हो गया है, और थोड़ी देर में बेटा आ जाएगा। इससे पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो कपड़े हैं ये सब समेट के रख दूँ, और बेटे का स्कूल ड्रेस है कल पहन के जाना है उसको थोड़ा प्रेस करके रख दूँ, इसलिए जल्दी जल्दी करके काम निपटाने की कोशिश में हूँ। अभी मैंने अपना सारे काम निपटा लिया है, और अभी बेटे के आने के लिए वेट कर रही हूँ। ये देखिए, येलो कलर के कितने सारे स्कूल बस जा रहा है, आ रहा है, और अभी थोड़ी ही देर में मेरा बेटा भी आ जाएगा। एक्चुअली आबूधाबी के जितने सारे स्कूल है, सारे स्कूल मंडे से थर्सडे तक फुल होता है, और फ्राइडे हाफ डे स्कूल होता है, क्योंकि इन लोगों का प्रेयर डे होता है इस दिन, और सैटरडे संडे तो पूरा छुट्टी रहता है, तो बच्चे थर्सडे आते ही बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा स्कूल से आ गया है, और साथ ही साथ मैंने 2-3 सामान ऑर्डर दिया था वो भी आया है। ये मैंने लो फैट योगर्ट ऑर्डर दिया था 1 किलो, और साथ में 2 लीटर लो फैट मिल्क ऑर्डर दिया था, और मेरा बीन्स एकदम ख़त्म हो गया है, तो मैंने बीन्स ऑर्डर दिया था,
वो आया है और साथ में मैंने मैचिस ऑर्डर दिया है। एक्चुअली मेरे भगवान के पास दिया जलाने के लिए मैचिस एकदम ख़त्म हो गया है। ये सारे चीज़ मैंने ऑर्डर दिया था और शॉप में ना ये जो बीन्स होता है बहुत फ्रेश मिलता है। मॉल से मैं लेती हूँ लेकिन मॉल में हमेशा इतना अच्छा नहीं मिलता है। और इधर मेरा बेटा का एग्ज़ाम आ गया है तो वो अपना पढ़ाई का काम कर रहा है और मैं बैठे बैठे अपना वीडियो बनाने के काम में लगी हूँ। थोड़ी देर में शाम हो जाएगा और अभी मेरे बेटे का कॉफ़ी पीने का मन किया है तो बेटे के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। और इसमें मैं ये जो कॉफ़ी मेट है ये डाल देती हूँ ना, इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है और इसमें थोड़ा सा झाग भी आता है ये डालने से। और मेरे लिए हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी। चाय कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है, बेटे को कॉफ़ी दे दिया है और मेरे लिए हस्बैंड के लिए चाय ले लिया है। और ये जो ब्रेड है ये ब्रेड बहुत टेस्टी होता है और हम लोग रोज़ बिस्किट छोड़ के चाय के साथ यही ब्रेड लेते हैं। आज का वीडियो यही तक है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बाय।